गाइस गाड़ी वाड़ी हो गई है मेरी फुल साफ। आप सब आज बहुत जो है ना वो सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का मैच है यार, मतलब मेरी पूरी मतलब मैं तो सो के इतनी देर में उठाऊं अभी उठाऊं तो 137 या 138 का टारगेट मेरी बहन ने बताया कि है और एक दो आउट भी है उनके सामने वालों के। अल्लाह करे यार पाकिस्तान जीत जाए मैच। टाइम हो रहा है 3:26, मैं बैठा हूँ बाहर, तो चलते हैं पहले करते हैं नाश्ता। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू व्लॉग। आज के सीन्स कुछ मुझे ऐसे लग रहे हैं कि अगर अल्लाह ना करे कुछ भी हुआ ना मैच में तो मूड बहुत ख़राब होने वाला है कसम खुदा की, क्योंकि जितने दिल से सेमीफाइनल में गया था ना पाकिस्तान, जितने मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी मेरी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान को लेके, आपकी भी यकीनन होंगी, तो इनको चाहिए ये करें मेहनत तबाहकुन किस्म की और उसके बाद मैच जितवाएं भाई, जो सीधी बात है। अच्छा अभी भी मैं सुन रहा था कि एक बंदा इंजर्ड हो गया गाड़ी में, मैंने FM लगाया हुआ, मैं सुन रहा हूँ काफ़ी देर से। पहले चलते हैं कुछ खाते हैं ताकि दिमाग तो चले। भाई जल्दी बैठ यार, जल्दी बैठ। मैच कैसा चल रहा है यार? मैच बहुत खराब चल रहा है यार, अल्लाह ना करे हारे। तो ये भी आके बैठ गया गाड़ी में और इतनी बकवास किस्म की बातें कर रहा है कि मैच हार जाएगा। क्यों हार जाएगा भाई, मैच कुछ भी हो सकता है। अभी मैं देख रहा था घर पे, 101 का टारगेट था, 98 कुछ समथिंग बोले थी, तो अल्लाह करे जीत जाए मैच यार। तो मुझे फ्लू भी इतना तेज लग गया ना, मुझे नज़ला भी बहने वाला नज़ला मुझे हो रहा है, लेकिन पहले कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। तो वैसे तो आज का प्लान ये था हमारा कि हम लोग कहीं जाएंगे, लेकिन मनुष्यत जो है ना वो इतनी तारी हुई है कि बंदा कहीं जा ही नहीं सकता। खैर एनीवेज आप लोग बताओ मैच के लिए क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई की है? मैंने तो जोर की नमाज पढ़ के मांगी है दुआ, मैच दिखा दे भाई। ₹20 ने उन्होंने नेट पैकेज करवाया मैच के चक्कर में, इस वजह से लोड होने में देर लग रही है। सुप्रीम पैकेज है सॉन्ग का। अच्छा पता नहीं। इसकी परेशानी है नहीं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लगा लिया मैच गाड़ी में और गाड़ी के टायर में हो गई हवा कम, तो पहले चलते हवा डलवाते, साथ साथ मैच भी देखते हैं क्या चल रहा है मैच में। बटलर आउट हो गया। आउट हो गया? हाँ। ओ शुक्र। एक तो एडवर्टाइज जो है ना ये बहुत जो है ना वो खराब करते हैं सारा। पहले यार डर, मैं इसको तो रोक एडवर्टाइज ही सुन रहा है के पास। जल्दी से डर, मेहमान ये भूख लगी। स्टेशन जो होता है ना वो ये होता है, हाजी बिरयानी, तो बिरयानी मंगवाते हैं पहले, बिरयानी खाते हैं। हंसती बेटा तेरा भी आखिरी स्टेशन यही होता है, ड्रामे बस दिखा कितने हो गए। चलो चलो गिराओ, एक और गिराओ भाई। तो भाई बिरयानी आ गई हमारी, मैच चल रहा है सामने और हम खा रहे बिरयानी, मतलब फुल VIP है, आराम से बैठ गया, मैच देखो और यहाँ बिरयानी खाओ, टेंशन ही नहीं है, जल्दी से बिरयानी खाते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है, कोई ना कोई सीन बनाते हैं यार। पाकिस्तान तो जीतेगा ही जीतेगा मैच, 59 हो गए, वाइट करा के भी रन नहीं दे रहे हो यार। बहुत एंजाइटी हो रही है, वाइट करवा दी नहीं भाई, कंफ्यूज हो रही है। एक जगह यहाँ मैच चल रहा है और एक तरफ सारी आवाम पागल हुई हुई है पाकिस्तान के मैच को लेकर। जीतेगा भाई, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा अल्लाह पाक मैच जीत जाए। आउट है, आउट है। बेतहाशा टफ मैच चल रहा है गाइस, अभी भी जीत सकते हैं अगर आउट कर दें। ये क्या कर रहे हैं? आउट आउट। क्या हो गया? आउट हो गया। बहुत आला रसीम शाह, बहुत आला। बस टॉस, टाइम ब्यूटीफुली विल इट गो फॉर 4? अब हार गए। A few come in. Swing. Out कर दो। Out. He's hit it leg side. It's Ben Stokes with the winning runs. Who else? It's always Ben Stokes. So guys, finally हम तो आ चुके हैं घर पर और आधी आवाम बैठी हुई है यहाँ पर, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। शदीद सदमा लग गया मुझे तो मैच हारने का, बहुत गंदा, मतलब ऐसे होता है यार, इस तरह होता है, कभी तो बंदा फाइनल मैच जीत जाता है, फाइनल में आ जाएंगे मतलब जीत गए, माइंड सेट होता ही नहीं कभी। वैसे जो लोग वहाँ पे होते हैं उनको पता होगा क्या सिचुएशन है।
मुझे तो पता ही नहीं है। खैर एनीवेज बहुत दुख है, इवन कि हम लोग नमाज पढ़ने गए वहाँ पे, आप यकीन करें बड़े बड़े चाचे वजू करने के लिए जाते वो तक हमारी टीम को कोस रहे थे। मत क्या करो इस तरह, आवाम हम लोग को बदुआएं देती है हारने के बाद। खैर एनीवेज अभी जो है मैं आ चुका हूँ घर पर और संडे का दिन है, आपको पता है फैमिली डे होता है, लेकिन आज कल फैमिली के साथ ट्रिप थी तो आज कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेला ही हूँ घर पर और चाय की बहुत ज़्यादा नीड हो रही है तो चाय पीते हैं। उसके बाद आज चलेंगे कुछ डिस्कवर करने के लिए, कुछ खाते हैं आज चल के बाहर। दोस्तों की मोहब्बत चेक कर रहे हैं हम खाली, दोनों मिनट के मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मेरी आ गई, जल्दी से पीते हैं चाय और फिर करेंगे चेंज। वैसे ऑलमोस्ट ये भी सही लग रहा है लेकिन मैं फिर भी चेंज करूँगा। सुबह हो चाहे शाम हो, इन्हें सिर्फ सोना है, सोना है इन्हें सिर्फ, सोना है, सोना है इन्हें सिर्फ। मैं हूँ, देखो देखो जी, जो आपने बीच वाला सर्च करा है ना वो वाला मशहूर हो गया। चाय वगैरह पीने के बाद मैं हो गया हूँ रेडी और आज मैंने पहना है फुल ब्लैक, स्लीपर्स भी ब्लैक, पैंट भी ब्लैक, शर्ट भी ब्लैक और घड़ी आजकल मैं नहीं पहन रहा हूँ, ये ब्रेसलेट जैसे मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया है, तो फिलहाल इसी पे काम चल रहा है। घड़ी लेंगे इंशाल्लाह ताला, दिखाएंगे आपको भी कौन सी घड़ी ली। जो कूलेंट है वो तो सूख ही चुका है तो मैंने भी डलवाया इसके अंदर पानी से, वो है फ्लू, तो पहले खाएंगे रिजेक्ट्स। एवरीवन मैं निकल गया हूँ बाहर, तो जैसे आपको पता है कि संडे वाले दिन मेरा होता है फैमिली डे, तो आज सारी फैमिली थकी हुई है, इस वजह से फैमिली के साथ कोई डे नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे दोस्त आके बैठ चुके हैं गाड़ी में, तो हम लोग जा रहे हैं आज जगह पे पहुँच के बताऊँगा कहाँ जा रहे हैं, वैसे नहीं बता रहा, वैसे ना फिर स्पार्क खत्म हो जाता है तो हम लोग 10 सेकंड वीडियो आगे बढ़ा देते हो, जगह पे पहुँचेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हम कहाँ गए थे और हमने क्या खाया था। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ जगह पर जहाँ हमें जाना था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आया कहाँ पर। इसमें से जो चीज़ आपको समझ आती है, अगर नहीं समझ आती तो आपकी बहुत बड़ी गफलत है, अगर नहीं समझ आती है तो अच्छी बात है। माइल्ड ट्राई बोथ, ये माइल्ड है। अच्छा ये माइल्ड है, सो ये जो मेरे लिए आया ये माइल्ड है और अभी इसके ब्रॉक ओके। ओ अच्छा दिस इज रेड चिली, ऑलमोस्ट जो हमने ऑर्डर किया था वो तो आ चुका है। ये डम्पलिंग्स हैं, ये सॉसेजेस हैं, ये क्रैब मीट स्टिक है और हम लोग बैठे हुए हैं आराम से, और ये है चिकन ब्रेस्ट, तो अभी हम इसको करेंगे कुक, यहाँ पर रखा है हमने इसको, और ये जो है स्पाइसी वाला है, वाला जो है वो माइल्ड वाला है, स्पाइसी और माइल्ड। सो ये इसके अंदर डाल रहे हैं नूडल्स, चाइनीज नूडल्स, और ये चिकन ब्रेस्ट, सॉसेज सॉसेज, और ये डम्पलिंग्स एंड ये थोड़ा सा ऊपर से, एंड हाँ काफी एवरीथिंग। एवरीथिंग जो इसके साथ जो चीज़ें आई थी वो उसके अंदर डाल दिया था एक अपना स्टेक,
एक ज़्यादा। सो अभी जो नूडल्स हैं उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा आई थिंक, क्योंकि नीचे जो है वो साथ में हवा भी है यहाँ पर, इस वजह से इनको थोड़ा शायद थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये हो जाएंगे तो फिर ये पूरे अंदर हो जाएंगे, उनके तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरे तो सारे ही बाहर हैं। इस वाले को भी देखो भाई, मेरे जो नूडल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट जो हैं वो होना शुरू हो गए हैं, अंदर जा रहे हैं। अब थोड़े थोड़े जो बाहर हैं वो रह गए, इनको ऐसे करके लेफ्ट करके डालते हैं अंदर। यार गर्म हो रहा है, हाथ पे लग रहा है, ये लेना। बस बस गया गया अंदर गया, तो मेरे भी सारे चले गए नूडल्स अंदर। यार कहाँ गया वो? यार आ रहा है वो, तो निकालने का, ये सूप निकालने का। ओह एवरीवन, अभी है थोड़ा सा वेट, क्योंकि जो अंदर का सूप है वो होगा बॉयल, और बॉयल के बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोगों ने ये बनाया है ख़ुद यहाँ पर। और ये बेसिकली जो जगह है, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे सोच रहा था आने के लिए, तो आज फाइनली मैं आ ही गया, क्योंकि आज संडे था, जैसे बताया आपको फैमिली डे ऑफ था आज, तो आज जो है वो वैंग वैंग डे था, वैंग वैंग डे ऑन। और ये जो है वो डिप सॉस है, लुक सो स्पाइसी, और रिव्यू करते हैं। स्पाइसी है ये? इतनी स्पाइसी नहीं है, लेट मी ट्राई। बिल्कुल हल्का हल्का सा साइड्स में बॉयल आना शुरू हुआ है अभी, मेरे हाथ पे गिरा। एक जो है वो रेडी हो चुका है और गरम गरम हो रहा है। मेरे वाला तो मेरे ख्याल में शायद हवा इतनी चल रही है वो गरम नहीं हो पा रहा है। पहले मैं ट्राई करूंगा स्पाइसी वाला। वो रेड रेड मिर्ची देखने में इतना यमी लग रहा है, निकलेगा बाहर तो ही पता चलेगा अब क्या चीज़ है। मैंने जो अपने लिए बनाया है वो ये बनाया है, लेकिन मैंने इतना गिराया है क्योंकि मेरे हाथ पे ये बहुत लगा है, मेरा हाथ जला भी बहुत जगह से। तो फाइनली मैंने अपने लिए बना लिया, और ऑलमोस्ट मेरे फ्रेंड्स ने स्टार्ट कर दिया, तो हम भी इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि ये क्या है, कैसा। और अभी हम लोग हमारा चल भी रहा है साथ साथ, और बहुत मज़े का है, बहुत गमी है, नो डाउट। हम लोगों ने इसको दोबारा से फुल करवाया है सॉसेस वर, दोबारा से हमने इसको फुल करवाया है, और मिर्चों वाला जो है ना वो ज़्यादा मज़े का है बनस्बत इसके। खाने के बाद मैं आके बैठ चुका हूँ गाड़ी में, और खाना जो था वो बहुत स्पाइसी था, मैंने तो खूब पेट भर के खाया, बहुत मज़ा आया खाने में। और आप लोगों को भी नई चीज़ का एक्सपीरियंस कराया, तो आप लोग ज़रूर आइएगा ट्राई करने के लिए यहाँ पर। मुझे बहरहाल आया आज बहुत मज़ा, क्योंकि चाइनीज़, आई लव चाइनीज़, और दो चाइनीज़ मेरे साथ भी बैठे हुए हैं। चलते हैं घर की तरफ। और बुलबुल जो है ना वो मुझे हैरान हो के देख ली है, मेरी जो बुलबुल है ना वो मेरी दिल की टुकड़ी, मेरी जानू, मेरी बुलबुली। उसके लेटने का कोई मकसद है? मतलब अप्पू मांग रहे हैं, अप्पू भी देगा, लॉलीपॉप लग जाएगा मामू के मुंह पे। और खड़े हो, खड़े आ चुका हूँ वापस घर पर। और आज के सीन्स ये थे कि आज हमने बहुत मज़े की डिशेस खाई, चाइनीज़ खाया, रच के चाइनीज़ खाया, बहुत मज़ा आया चाइनीज़ खाने में। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, आप लोग भी ऐसी नई डिशेस ट्राई किया करें। देखें मैं ना बहुत फूडी इंसान हूँ, मतलब आई लव टू एक्सप्लोर न्यू डिशेज, आई लव टू एक्सप्लोर न्यू फूड्स, मतलब आई एम टू क्रेजी अबाउट फूड्स, यू नो। तो फूड पे जो है मतलब नो कॉम्प्रोमाइज़, किसी किस्म के खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। खाना जो होता है वो बेसिकली होता है अल्लाह की नेमत, और रिस्क की जो है ना इंसान को बेतहाशा कदर करनी चाहिए, क्योंकि रिस्क के लेना इंसान खड़े खड़े रोता है, आपको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, और खाने को तो अल्लाह ने मुझे इतना दिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खैर एनीवेज गाइस, आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।
with the